আমি তারা নাই দেখে যাই। চল কর, থোড়া প্রবলেম চালু কর। হাই, নমস্তে। আজ অমুল ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট ফেসবুক লাইভ কুকিং শো কা এক সাল পুরা হোনে কে অবসর পর মেন অমুল কি পুরি টিম কো দেশ বিদেশ সে জুড়ে হর শেফ হোম কুক প্রফেশনাল শেফ হর এক কো খুব খুব অভিনন্দন অর আজ মুঝে ইস সেলিব্রেশন কি রেসিপি বানানে কা মৌকা মিলা হ্যায় তো স্পেশালি দিল সে মেন শেফ মুক্তি শাহ অর মেরা এলজি পুরা ফ্যামিলি কি তরফ সে আপ সব কো খুব খুব শুভকামনায় যো এক সাল কমপ্লিট কিয়া হ্যায় অর আজ কি এ রেসিপি হম বানা রহে হ্যায় অমুল চকলেট কা টার্ট উইথ ক্রিম স্যালাড, টার্ট উইথ ফ্রুট ক্রিম স্যালাড। তো ইয়াহা পে মানে অমুল কি ये जो डार्क एंड जो चॉकलेट है, ये दोनों चॉकलेट यहाँ पे मैंने ली है और उसको मैं अभी जस्ट 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर रही हूँ जिससे चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी और ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये एक चीज़ है कि थोड़ी सी डार्क चॉकलेट है तो बीटर टेस्ट है, उसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें कंपाउंड जो है मिल्क कंपाउंड वो भी ऐड किया है, यानी दोनों टेस्ट एक साथ आएंगे तो रहेगा कि वो बीटर टेस्ट नहीं आता है, हल्का सा मीठा हो जाएगा। चलिए, ये चॉकलेट जो है ये हमारी मेल्ट हो गई है, वैसे भी बहुत ही गर्मी है तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हो इसकी शाइनिंग भी बहुत ही अच्छी है, ये अच्छे से बीट हो गई है, मिक्स हो गई है। इसको ऐसा करते हैं कि पैम्पर हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करनी है, हल्का सा नॉर्मल थोड़ा सा हो जाए। उसके बाद मैं ये मोल्ड जो है सिलिकॉन मोल्ड, उसमें ये हमारी चॉकलेट ये जो है चॉकलेट हमने यहाँ पे भर दी है और ऐसे पूरे मोल्ड को हम कवर कर रहे हैं, आप देख सकते हो। और इसको मैं और एक मोल्ड में ले रही हूँ, जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है हमारी, आप देख सकते हो। इसको ऐसा पूरा उल्टा कर दो, जितनी भी ज़्यादा चॉकलेट है वो निकल जाएगी। इसको भी ऐसे बॉर्डर से पूरा हम चॉकलेट से कवर कर रहे हैं और एक्स्ट्रा जो भी है वो इसको ऐसे जितना एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो हम निकाल रहे हैं। इसको ऐसे टू लेयर्स करने हैं, ये अभी पहला लेयर हुआ है, ऐसे मैंने दो लेयर करने हैं इसके। आप देख सकते हो इसको अभी मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए या फिर उसको फ्रीज में, नॉर्मल फ्रीज में रखना है। ये एक लेयर हो गया, इसके बाद उसको वापस से एक बार और कोट करना है। इसको दो या तीन कोट कर लेते हो तो ये हमारा टार्ट जो है वो तैयार हो जाता है और मैंने इसी को तैयार करके रखा है। भाई प्लेट वापस लाना,
मैंने ऐसे ही ये टार्ट यहाँ पे बना के रखे हैं, आप देख सकते हो अच्छे से ये टार्ट हमारे बनके तैयार हो गए हैं। और ये सिलिकॉन में है तो इजीली अनमोल्ड भी हो जाते हैं। ये अभी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ही रखो, तब तक हम अभी इसका अंदर का जो फिलिंग है यानी कि हमारा क्रीम सैलेड, तो यहाँ पे मेरे पास अमूल का फ्रेश क्रीम है जो मैं यूज कर रही हूँ। इसको मैं अभी हिला नहीं रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे ये गाढ़ा चाहिए। इसमें पानी छूटने वाला नहीं चाहिए। एक कटोरी में इसमें जो लिक्विड है वो मैं अभी थोड़ा सा निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें गाढ़ी क्रीम चाहिए। ये जितना भी पानी है वो निकल जाएगा। इसी के अंदर हमें अभी लेना है मिल्क मेड, जो अमूल का मिल्क मेड है मैं यहाँ पे वो यूज कर रही हूँ, 2 से 3 बड़े चम्मच जितना। पर आपके पास अगर मिल्क मेड नहीं है तो शुगर भी यूज कर सकते हैं, पीसी हुई चीनी। इसको अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं और इसमें अभी हम थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, एकदम से पिंच ऑफ इलायची पाउडर को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। बर्थडे है तो सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए, तो और वो भी चॉकलेट के साथ। अभी इसके अंदर हम जो है वो फ्रूट्स ले रहे हैं, इसको अच्छे से मिक्स करके इसी के अंदर अभी हमने यहाँ पे चीकू लिया है, पोमोग्रेनेट है, 3 पाइनएप्पल है, कीवी है, तो ये सब कुछ हम अंदर ले रहे हैं। ये अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है। हाँ, इसी के अंदर अभी हम ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, आपको अगर काजू बादाम पिस्ता जो भी डालना है वो आप डाल सकते हैं, वो काट दीजिए। चलिए ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। हाँ, आप शुगर जो है वो कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यानी अभी हमने मिल्क मेड जो लिया है 2 से 3 टेबलस्पून लिया है, बट आपको कम या ज्यादा जो भी करना है आप कर सकते हैं। मेरे पास ये चॉकलेट के टार्ट है, मैं उसी के अंदर इसमें ये हमारा क्रीम सैलेड जो है भर रही हूं। और देख रहे हो ये बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही इजीली एक रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। और अमूल का ये जो 1 साल कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसी के सेलिब्रेशन के तौर पे हमें इतना अच्छा जो चांस मिला है, तो थैंक्स फॉर अमूल एंड अमूल की पूरी टीम कि हमें इतना अच्छा चांस दिया है। चलिए ये जो हो गया, अभी
इसके एक साइड पे मैं यहाँ पे ऑरेंज और ये हमारी चेरी है यहाँ पे, मिंट लीव्स एकदम से फ्रेशनेस के लिए यहाँ पे हम मिंट लीव्स यूज कर रहे हैं। और थोड़े से ये पोमोग्रेनेट के दाने, तो आप ये देख सकते हो कि हमारी ये रेसिपी अमूल चॉकलेट टार्ट विथ क्रीम फ्रूट सलाद, एक साल पूरा होने की वजह से ये मीठा और इंस्टेंट मीठा जल्दी से बन जाए ऐसी एक स्वीट डिश हमने बनाई है यहाँ पे। तो आप लोगों को ये डिश कैसी लगी प्लीज इसको इसी में ही कमेंट कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज आप इसी को इसी फेसबुक पेज पे कमेंट कीजिए। और बहुत ही यानी ठंडा चिल्ड करके खाना है इसको, तो बहुत ही मजा आएगा ये खाने में। एंड बाय एवरीवन, ये जो अभी सेशन है ये कंप्लीट करने के बाद उसके बाद तुरंत ही मेरे मिस्टर का फेसबुक पे लाइव है जो आपको केक सिखाने वाले हैं, तो प्लीज उसी में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइएगा। एंड थैंक यू अमूल एंड थैंक्स फॉर मेरी तरफ से, मेरे परिवार और मेरा एलजी फैमिली की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।